श्री रविंद्र सिंह भाटी, समय सीमा की पालना करते हुए 7 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। माननीय सभापति जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपने धन्यवाद ज्ञापित करा, साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा बाबा गरीबनाथ जी की नगरी शिव के 630 गांव, 2000 डाणियों के उन 3 लाख मतदाताओं को जिन्होंने साधारण परिवार से आने वाले 26 साल के एक शिक्षक के बेटे को इस काबिल बनाया कि वो आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर विचार रख पा रहा है। साथ ही साथ सरहद की जनता को लोकतांत्रिक परिपक्वता व दूरदर्शी सोच को सलाम करता हूँ जिन्होंने संकल्पित होकर एक युवा को यहाँ तक पहुँचाया। मुझे पूरा भरोसा है अभिभाषण में जो 83 बिंदुओं को रखा गया, सरकार उसके तर्ज पे काम करेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान के उस कोने से मैं आता हूं जिन्होंने 1965 के 1971 के युद्ध में सबसे ज्यादा अपनी भागीदारी निभाई। पर मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सबसे ज्यादा आज के समय में अभाव में वो है, ना शिक्षा है, ना पानी है, ना रोजगार है, बिजली की और चिकित्सा की तो बात ही नहीं करें तो ठीक है। अगर मैं बिजली की बात करूं तो पिछले 4 दिनों से 170 गांवों के अंदर चक्की तक नहीं चली, आटा तक नहीं पिसा। अगर मैं बात करूं पानी की तो पिछली सरकार ने पानी के मामले में सिर्फ लिपापोती की। 5 साल में हमारे एक भी आदमी को एक भी घर तक पानी नहीं पहुंचा। साथ ही साथ अभी मेरे से पहले हरीश जी चौधरी साहब ने फरमाया कि साहब शेरगढ़ में, सिवाना में कितने डिमांड भरे गए। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी शिव कॉन्स्टिट्यूंसी भी पास में है, पचपदरा भी पास में है। पिछले 5 साल में 1000 से ज्यादा पेंडेंसी मेरी शिव कॉन्स्टिट्यूंसी की है, ऐसी की ऐसी उन तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी की भी। बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा, इन सब मामलों में सबसे ज्यादा अगर कोई पीछे है तो हम है। आपको बताना चाहूंगा अक्षय ऊर्जा के माध्यम से, विंड सोलर के माध्यम से, माइनिंग के माध्यम से, रिफाइनरी के माध्यम से, पेट्रोलियम के मामले से, हर तरीके से सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर कोई जनरेट करके देता है स्टेट को तो वह बाड़मेर और जैसलमेर देता है। पर उसके बदले उनको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। कभी भी किसी भी तरीके से उनकी बात नहीं रखी जाती। मैं इस सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि साहब वहां पे एक डीएनपी एरिया है जहां के 80 गांवों में आज तक मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि पक्ष भी आया, विपक्ष भी आया, पर हमारे उन लोगों को कभी टावर तक नहीं दिया गया। अरे शिक्षा और चिकित्सा आ रही तो बात ही छोड़ दो, अगर कहना बुखार आवे तो 100 किलोमीटर पेल कोई हाथ जालन वालों को नहीं है। स्थिति क्या तैयार हुई, क्योंकि मारी बात कदी ये सदन रे मीना मजबूती हूं कदी कह राखी को। मारो निवेदन रहे कि आप ये चीज ना आगे तक रखवाया और मारे हुआ तमाम लोग ना आप ज्यादा से ज्यादा सुविधा कहां कर दे रहा सको ये रिवास्त करवाया। मैं अध्यक्ष जी रोजगार के बारे में बात करना चाहूंगा। यहां पे लगभग सभी युवाओं की बात कर रहे हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, भर्तियां ऐसे हो रही है। सब गवर्नमेंटरी भर्तियां तो एक फिक्स सेगमेंट में है, उसके अलावा नई चीजें डेवलप करने की बात अपन कितनी करी ये माते विचार करने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योरशिप रो जमानो है, नई चीजें डेवलप करने रो जमानो है, पर उसके दौर में मीना मां की करियो समाधान रे यहां पे कोई भी बात को नहीं कर रहे। आज युवाओं रे बेड़ो चारों तरफ मीना खिलवाड़ हुआ पड़ी लारली सरकार जदे हती। मैं आपना बताऊं कि उवे टाइम विधानसभा रो घेराव मैं करियो, बतौर छात्र संघ अध्यक्ष घेराव करियो, पर उवे टाइम भी वहां विद्यार्थियों की बात को नहीं सुनी गई। आज हमारे क्षेत्र का कई सारा एड़ा गांव है जिकार मीना मूलभूत सुविधा वास्ते लोग तरसे पड़िया, पर वहां कोई बात को नहीं करे पड़ी। हूं ये आज रे ये अभिभाषण रे बात है, हूं पानी रे मामले में मीना मारा क्षेत्र रा जो शिव गुंगा नीमला अरसाणी गडरा और रामसरा जो को गांव है, साथ ही साथ हड़वा और हड़वेचा है, हमारी बात करी। ए गांव ओ है जिकान मीना हाल तक पानी री एक बूंद को नहीं पहुंची है। सरकार लारली वादा करिया था कि साहब मैं इता कर हां थार वास्ते पानी पुगा दे हां थाना झीला दे हां, पर साहब पीण आरू को नहीं है। गांव रा आदमी है जो को
पानी रे टंकियां नवार नवार हजार हजार दो दो हजार रुपया महीना कर्जो कर लियो। कोई बात करने ना तैयार को नहीं है। लाइट री जे बात करा जहां मैं पेल में आपना बात करी कि साहब हजार हजार वो पेंडिंग बढ़िया है उरे टाल साहब ट्रिपिंग रे लारे और कटौती रे कारण स्थिति है कि साहब वो किसान है जो आत्महत्या करने की कगार माता आयो रो। कोई बात को नहीं करे तू हमारी बिल्कुल साहब है। पांच साल आपरी बात करा अक्षय ऊर्जा बिजली है जो आप विंड और सोलर की जो बात कर रहे हैं सीधा नहीं विंड की और जो सोलर की बात कर रहे हैं कि साहब हम वो विंड और सोलर सबसे ज्यादा हम प्रोडक्ट करके देते हैं। दिया तले अंधेरा है हुक्म दिया तले अंधेरा है वहां के लोगों को लाइट नहीं मिल रही। रोज किसान आए दिन वहां पे हड़तालें कर रहे हैं धरने दे रहे हैं उनकी बात कौन करेगा। ये रिफाइनरी जो हमारे बाड़मेर के अंदर है वहां के स्थानीय लोग वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन युवाओं को वहां पर रोजगार के लिए 1% भी वरीयता नहीं दी जा रही। कोई बात नहीं कर रहा था और बाड़मेर जैसलमेरी बात कराएं कि साहब की करो थे खूने माते बैठा लांठा हाँ खूने माते बैठा जदे कदे भी कोई बात आए तो संगम पेल चोड़ी छाती कर लड़ने वास्ते अगर कोई तैयार रहे तो बाड़मेर और जैसलमेर रहो लोग रहा करें। हूँ आप ना अर्ज करनी चाहूं कि मारे हुई जगह बाड़मेर और जैसलमेर रमीना लगभग 70% हर सेक्टर में मीना हर विभाग रा पद खाली है। पेल तो कहता कि साहब थाना उत्कालो पानी सजा दिया हमें तो रोड़ा ही हुए रहे साहब जेड़े तेड़े ही है मैं उस सेवा पानी भी खूब करा हमें तो उज अधिकारी मिलो पांच साल मीना तो हुआ मिले को नहीं वो विपक्ष में गया पा पर पक्ष रे लोग मीना भी निवेदन करा मंत्री मीना भी निवेदन करा कि हमें उज जगह ठाडी मीट मीना हुआ देखो और उज जगह वो जो खाली पद है आप सब हुआ ना भराउंड कृपा करवाओ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जय हिंद जय भारत।